बच्चे होंगे नहीं ना, मगर मेरे बच्चे उनको नहीं अच्छे लगते हैं, उनको अच्छा लगता है सिर्फ उसके घर में जो है ना एक, वही मैं तो नहीं बोलती हूँ, बोलना छोड़ दी हूँ, लेकिन मेरी जो इधर से निकलती है ना, जब मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ ना घर का काम करते करते, बच्चों को देखते देखते, मेरा आँख एकदम अजीब ऐसा हालत हो जाता है ना, और जब ये इस तरह से बोलता है ना, अपनी माई का नाम लेता है ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना इस आदमी से, लगता है अगर कुछ मेरे पास होता ना, इसको हम दुनिया से मुक्ति दिला देते, क्योंकि ये हर बार मुझे बस तकलीफ ही देने के लिए ऐसी घटिया बातें करता है। इसका माँ का नाम सुनते ही ना मेरा दिमाग एकदम एकदम खराब हो जाता है, एकदम खराब, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ यार। उस औरत ने मेरे पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया है, ज्यादा लंबा समय मेरे पास वो रही नहीं ना हम रहे, लेकिन उतना ही दिन में मेरे को इतना ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है वो, इतना ज्यादा कि मैं मरते मरते समय तक भूल नहीं सकूंगी सारी बातें। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिमाग तार के साथ में वरदान है, कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज है रविवार और मैंने खूब कूटा है, किसे, उसी को, बहुत ज़्यादा कूटा उस आदमी को, क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं ना प्यार से रहिए, प्यार से बात करिए, वही करने का कोशिश करते हैं हम कि ठीक है लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, चलिए प्यार मोहब्बत से बातें हो सकती हैं तो, मगर कहते हैं ना कुत्ता का दुम कभी सीधा नहीं होता है, ये वही है। मैं जब भी इसे बातें करने लग जाऊंगी ना, इसको स्पेशल ट्रीट देने लगूंगी ना, ये वही पहुंच जाता है जहां से मुझे बहुत ज़्यादा चीर और बहुत ज़्यादा नफरत है। इसकी फैमिली, इसके पेरेंट, मैं किसी का नाम तक सुनना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं क्यों उनका नाम सुनते ना मेरे को इतना गुस्सा आने लगता है ना, कि मुझे लगता है ना एकदम सामने होता है ना, मैं उन लोग को भी बता देती कि तुम लोग कितने गिरे हुए चीज हो, और इसको घूम फिर करके वहीं पर जाना है। वहीं से खाना खा रहे थे रात में, और फिर से आया तुम संडे बोल करके, हम लोग रात में लेट से खाना खाएं, अब खाते खाते ये शुरू हो गया है ना, बात कैसे तो उठा, मैं इसे जल्दी बातें नहीं करती हूँ यही कारण है, और जब बात शुरू करेगा तो वहीं पहुँच जाएगा। इसकी मदर हम लोगों को बहुत करती है, हम ही लोग नहीं करते, मतलब इसके नज़र में हम लोग पागल है, है ना। अब बताओ कि जब सारी चीज़ें मैं अकेले कर रही हूँ, बच्चे तक को वो रिस्पॉन्स नहीं देती है वो औरत, वो बुढ़िया, और मैं उसके बारे में क्यों सुनूंगी, क्यों सुनूंगी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं इतना तकलीफ से दिन रात काम कर करके बच्चों को लगाई रहती हूँ, मैं दो दो दिन से बाल नहीं बना पाती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ, और कैसे किसी थर्ड पर्सन का मैं नाम सुन सकती हूँ, क्यों सुनूंगी, मुझे तकलीफ नहीं होगी। मैंने इतना साल गुजार दिया इसी उम्मीद में कि एक दिन बच्चों को कम से कम वो लोग करेंगे, मगर वो भी नहीं किया, और ये आदमी जब देखो तब शुरू हो जाता है। मुझे तो एकदम इतना गुस्सा आता ना इस पे, एकदम लगता ना कि क्या कर दूँ, कि तुमने जो किया सो किया मेरे साथ, अब तुम क्रेडिट भी अपने माए बाप को दोगे। हाँ, आप लोग जो कहते हैं ना वीडियो इस तरह का क्यों बनाते हैं कोई कोई, तो वीडियो मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं इन लोग को अच्छे से जानती हूँ कि ये लोग कितने अजीब इंसान हैं, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, इनके अंदर इतना सभी फीलिंग इमोशंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग पैसा के पीछे भागता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। अगर अभी मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा ना, तो इन लोग को मेरे में कुछ कमी नज़र नहीं आएगा, किसी को नहीं, इन लोग इतना घिरा हुआ है, मुझे मेरे बच्चों का बस फ्यूचर देखना है, और ये प्यार और मोहब्बत से ना मेरे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, वर्तमान भी नहीं बनेगा कभी नहीं। लव जिहाद वाला पिक्चर आप लोग देखे था, केरल स्टोरी है ना, सिर्फ मुसलमानों में ही ये सारी चीज़ें नहीं होती है लागू, ये हिंदू में भी होता है, बहुत सारी लड़कियों को तो हिंदू लोग फंसा के बहला फुसला के शादी कर लेते हैं ना, ऐसे ही राहुल तो रहता ही है राज बन करके, ऐसे ही ठगता है हम लोग को, और उसके बाद हम लोग ठगा जाते हैं, उसके बाद तो इसके पेरेंट्स माए बाप सब आने लगता है बाद में, पहले तो कोई भी नहीं रहता है, और बाद में इसके सारे रिश्तेदार नातेदार सब कुछ आ जाता है, पहले इन लोगों को सब कुछ करना रहता है और बाद में कुछ नहीं करना रहता है, पहले आप सबसे सुंदर सबसे बेस्ट रहती हैं चाहे आप में जो कुछ भी हो, आपको तो ऐसे ऐसे परिभाषा दे करके वहाँ पर पहुँचा दिया जाए, और फिर जब इन लोग का सारा हो जाता है ख़त्म, उसके बाद आप दुनिया के सबसे बदसूरत और घटिया लड़की होती हैं, ऐसा इसका सोच है। मैंने रात में रूम बंद कर लिया, उसका मोबाइल भी हम लोग जब्त कर लिए और बंद कर दिया, और गया उस रूम में सोया, मच्छरदानी भी यही था दूसरा वाला, बिना मच्छरदानी के सोया होगा, पूरा मच्छर वच्छर काटा होगा। और फिर सुबह भी हम लोग लेट से उठे हैं, अभी बर्तन क्लीन कर रहा है,
मैं अब बहुत ज़्यादा संभल गई हूँ। मेरे इसको समझना चाहिए कि जिस जिस चीज़ से इसको प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ है, मैं क्यों जाऊँगा बोलने के लिए, क्या मिलता है। और इसको समझ में नहीं आता कि इसके पेरेंट्स क्या किया हम लोगों के लिए, एटलीस्ट इसके बच्चे के लिए। अभी मेरे बच्चे के माथे में ना, छोटा वाला बाबू है ना, उसको अच्छे से कॉम्ब नहीं कर पाते हैं बाल में, इतना जट हो गया है। क्योंकि उसको बाई बर्थ बच्चा वाला बाल है ना, जन्म पेट वाला, तो 2 साल हो गया और 2 सालों से उसका मुंडन नहीं हुआ, तो इधर इधर जट हो गया दोस्तों पूरा ज़्यादा ही, और जट हो गया इस वजह से कंघी नहीं कर सकते हैं। बड़ा बड़ा जुआ हो गया है और वो वाइट वाला एग हो गया। अब बताइए इतना सारा प्रॉब्लम है, इसको दिखता है, चाहे इसके पेरेंट्स को दिखता है सारी चीज़ें। आखिर उस औरत को चाहे फैमिली लोग को सोचना चाहिए ना कि अगर हम इसको घर में जगह नहीं दिए हैं तभी जाके इसको घर बाहर बना के रहना पड़ रहा है, अकेले इस हाल में बच्चों को करना पड़ रहा। अगर तुम लोग हमको घर में जगह दिया रहता तो अभी तुम लोग हमको मिलकर मेरे बच्चों को पाल पोस रहे होते, तो हमको इतना तो नहीं सफ़र करना पड़ रहा होता ना। एटलीस्ट ये बच्चे सिर्फ मेरे तो नहीं है, तुम्हारे भी है। मेरे मैंने क्या कहीं और से लाया है, मगर ये चीज़ें इन लोगों के दिमाग में नहीं घुसता है। ये हमेशा क्या करेगा ना, इसको जब आप रिस्पॉन्स देने लगेगा ये अपना माए बाप का दुहाई देने लगेगा। स्पेशली हम एकदम पता नहीं क्यों उसका एकदम नाम सुनते ही ना मेरे को बहुत नफरत हो जाता है, एकदम चिढ़ हो जाता है कि दुनिया कितनी घटिया औरत है ना वो, जितना कोई और घटिया औरत मैंने देखा नहीं अपने लाइफ में। इंसान कितना से कितना भी कठोर रहेगा ना, बच्चों के सामने पसीज जाता है उसका दिल। कहते हैं कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। ये बच्चों को देख करके उन लोगों को एक भी बार नहीं लगता है कि उन बच्चों को हम लेके गोद में खिलाएं। ये बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, फिर से बच्चे होंगे नहीं ना, मगर मेरे बच्चे उनको नहीं अच्छे लगते हैं। उनको अच्छा लगता है सिर्फ उसके घर में जो है ना एक, वही मैं तो नहीं बोलती हूँ, बोलना छोड़ दी हूँ, लेकिन मेरी जो इधर से निकलती है ना, जब मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ ना घर का काम करते करते, बच्चों को देखते देखते मेरा आँख एकदम अजीब ऐसा हालत हो जाता है ना, और जब ये इस तरह से बोलता है ना, अपनी माई का नाम लेता है ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना इस आदमी से, लगता है अगर कुछ मेरे पास होता ना, इसको हम दुनिया से मुक्ति दिला देते। क्योंकि ये हर बार मुझे बस तकलीफ ही देने के लिए ऐसी घटिया बातें करता है। इसका माँ का नाम सुनते ही ना मेरा दिमाग एकदम खराब हो जाता है, एकदम खराब, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ यार। उस औरत ने मेरे पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया है, ज़्यादा लंबा समय मेरे पास वो रही नहीं, ना हम रहे, लेकिन उतने ही दिन में मेरे को इतना ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई है वो, इतना ज़्यादा कि मैं मरते मरते समय तक भूल नहीं सकूँगी ये सारी बातें। मैं इस आदमी का भी थोबड़ा नहीं देखना चाहती, इतनी मजबूर हो जाती हूँ ना बस इसके वजह से इसके पास हूँ, वरना बच्चे के वजह से मुँह देखना पड़ता, नहीं तो इसका मुँह तो देखना ही नहीं चाहते हम कभी भी नहीं। क्या क्या नहीं किया इन लोग मेरे पे, क्या क्या नहीं किया, कितना जुल्म सहे है सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पैर के वजह से। और नहीं तो इन लोग के मुंह में कोई और होती ना, एक सेकंड के लिए भी इसके पास नहीं ठहरती, इतना इसके पास लापरवाही है। मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ बच्चों के पीछे, पूरा दिन। अगर कोई आदमी होता मेरा सच में होता, इतना तो तुम तकलीफ में नहीं रहते। एक बच्चे को पढ़ाते हैं, दूसरा बच्चा मेरे को इतना तकलीफ साइड से देता है, एक को खिलाते हैं दूसरा तकलीफ देता है, ये सारी चीजें मैं झेलती हूँ। यहाँ से वहां 4 बार झाड़ू करिए मेरे जैसे हाल में रह करके, ये करिए वो करिए तो पता चलेगा। तो लव जिहाद सिर्फ हिंदू मुसलमान में नहीं होता है भाई, इसलिए जागरूक अपनी बेटियों को करना है ना, तो अपने हिंदुओं से भी करिए, क्योंकि ये लोग ऐसा ही करता है। हमको ये कभी नहीं बोला था, कभी नहीं जताया तक नहीं था कि तुम पे इतना बड़ा ना आएगा या तुमको अकेले रहना पड़ेगा लाइफ में। अभी क्या है, साइड से ये अपना पूरा फैमिली परिवार सबसे बतियाता है, इसके बच्चों को भले कोई पूछे ना पूछे, इसको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। समय आएगा और जरूर आएगा, जो जैसा करता वो इसी दुनिया में भोग के जाता है। मैं तो अपने बच्चों को बड़ा करने में लगी हुई हूँ और कर रही हूँ, लेकिन ये जो कर रहा है ना, और इसका फैमिली कितना रोल है उन लोग का, आप लोग खुद ही सोचिए कि कितना अजीब है, जिसको इसका बच्चा से मतलब नहीं है और उसको अपने खाली इससे मतलब है। हाँ, इससे बात करके इससे हाल चाल लेगा, इससे पता नहीं क्या क्या, तो घर के बाउंड्री में बात करने का परमिशन नहीं दिए हैं। जिस दिन फोन आप दोबारा आ जाएगा ना, इसका फोन हम चूर करके फेंक देंगे। मेरे घर के आसपास किसी भी नॉनसेंस लोगों का फोन नहीं आना चाहिए, कभी नहीं, एकदम मेरे कान में आवाज नहीं आना चाहिए भाई। बहुत झेले हैं, बहुत ज्यादा।
आज से साल भर पहले जैसे ये लड़का ऑफिस से घर आता था ना, और घर घुसते के साथ इसका माई फोन करती थी, एक बार में नहीं उठाया ना लड़का अगर गाड़ी चल रहा, चार बार करती थी, पांच बार करवाती थी। उसका नौकर है घर में बहुत सारा, उसका देवर का बेटी लोग है, वही लोग नौकरबाजी करता है, वो लोग को ऑर्डर मिलता है फोन लगाओ थोड़ा भैया को दादा को, मतलब फोन लगाएगा कंटिन्यूसली। उसके बाद सुनते रहिए आप, बच्चा रो रहा है, बच्चा वो बाप आता है जब ऑफिस से, तो बच्चा बाप को खोजता है, पत्नी को तो छोड़ दो, हम तो कुछ अपना मन में है ही नहीं, इसको वो भी नहीं कि बच्चे को गोद ले क्या करे, लगा हुआ फोन में एक घंटा उसे बतियाया, फिर आया बहनिया का फोन, इसकी बहन ससुराल से फोन करेगी उसे बतियाया, अपना जीजा से बतियाया, ऐसे किया हो गया टाइम, हाँ खाना बनाइए, खाना दो, खाना खाऊंगा, खाना खाया, बच्चे को सुला दो, बच्चे को सुला दिए आप, एक घंटा फोन में देखा, पूरा नेट जो था यूजफुल किया उसको, और फिर सो गया। सुबह उठा बस ब्रश किया, टाइम लगाते लगाते हो गया 8 बजे, तो सोकर ही उठता था, ऐसे ही करता था, इतना झेले है ना हम तब जाकर के, अब हम एकदम कभी नहीं, अब कुछ भी हो जाए लेकिन हम एकदम अनवांटेड लोगों को इधर चाहेंगे नहीं, कभी नहीं चाहेंगे। अरे ये अगर जब भी नाम लिया ना, हम कसम से कहते इसको इतना पेर देंगे ना कि बोलना छोड़ देगा मेरे पास, या तो फिर हम ही लोग को छोड़ देगा, क्योंकि हमको ऐसा घटिया आदमी तो एटलीस्ट नहीं चाहिए जिसको अपने बच्चों तक का परवाह नहीं है, सिर्फ अपना बच्चा। बीवी में तो चलो छोड़ो, बीवी में खोट है, चाहे तो तुमको जो पसंद था वो हो गया, सब कुछ मिल गया, पूर गया तुम्हारा, अब तुमको जरूरत नहीं रहा, लेकिन बच्चा, मेरे बच्चों के साथ जो नाइंसाफी करेगा ना उसको हम कभी नहीं बकस सकते, कभी नहीं। ये बच्चा छोटा छोटा बच्चा, आदमी देख करके सोचता है कि बच्चों को थोड़ा सा गोद में खिलाए, कौन मेरे बच्चों को गोद लिया, मेरे बच्चे धरती में पलते पलते खेलते खेलते रेंगते रेंगते खुद से बड़े हो गए, कभी किसी ने गोद नहीं लिया, कभी नहीं। मुझे बुरा नहीं लगता है, लगता ही है, मेरी बेटी किस कोई नहीं था तो मेरी बेटी स्कूल नहीं गई कंटिन्यू, अभी वो कंटिन्यू अभी जा रही है, वो भी इतना लड़ने के बाद, बगैर लड़ाई मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं इतना लड़ना कौन चाहता है लड़ना। इसको भी तो इतना सोचना चाहिए कि हाँ ये मेरे बच्चों के लिए दिन रात लगी रहती है, अकेले कर रही है इस हाल में, जहाँ पे नौकर का जरूरत था, हम भी इंसान है, हमको भी तकलीफ होता है, मगर तुमको तो नहीं समझ में आता है, आप लोग की बात मान करके हम इसको रेस्पेक्ट भी देने लगेंगे ना, तो हर रोज मुझे ऐसे ही रोना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ इसका आदत, क्योंकि इसको जब भी नॉर्मल बिहेव किए हैं ना, ये अब नॉर्मल हो जाता है मेरे पे, इसको लगता है कि अब हम इसको कुछ भी सुना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और कह ही देता है। शुक्र मनाइए कि अब मेरा मुंह खुल गया है ना, तो जाके थोड़ा बहुत हम अपने आप को तकलीफ होने से बचा पाते हैं, वरना हम बहुत झेले हैं इसका बहुत ज्यादा, ये इमोशनल ब्लैकमेल कर करके मेरे को मारा है। समय आएगा मैं सारी चीजें रखूंगी आप लोग के सामने, ऐसा नहीं है कि मैं झूठी कोई बातें करती हूँ, विद प्रूफ रखूंगी।